मॉर्निंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। साल 2021 का अंत हो गया है और साल 2022 जो है अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है। राजनीति के लिहाज से साल 2022 काफी ज्यादा अहम है। आप सब जानते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इसी साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों के रंग में यूपी रंगता हुआ नजर आ रहा है। सत्ताधारी पार्टी की बात करें या विपक्षी दलों की, जनता को अपनी बातों में पूरी तरह से लपेटने की कोशिश हर एक पार्टी ने शुरू कर दी है। एक से बढ़कर एक वादे किए जा रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सोशल मीडिया पर भी गर्माहट पूरी तरह से बढ़नी शुरू हो गई है। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी आंख और अपने कान और भी ज्यादा तेज कर लीजिए, क्योंकि इन दिनों आपके मोबाइल पर आप कई ऐसी वीडियोस देखेंगे, कई ऐसी तस्वीरें देखेंगे, कई ऐसी खबरें पढ़ेंगे यूपी से जुड़ी हुई, जिसकी वास्तविकता सवालों के घेरे में आ सकती है। एक ऐसी ही खबर बीते विधानसभा चुनावों के दौर में वायरल हुई थी और इस खबर के तार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शादी के साथ जुड़े हैं। आप सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ सन्यासी हैं, उन्होंने शादी नहीं की। बावजूद इसके जब सत्ता के गलियारों में योगी आदित्यनाथ की शादी से जुड़े हुए दावे किए जाने लगे तो विपक्षी दल के नेताओं को मौका भी मिला उन पर सवाल उठाने का और सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल भी उठे। आपको हालांकि बता दे, ये जो वायरल वीडियो है इस पर यूपी की सरकार द्वारा सख्त कार्यवाही भी की गई। आज हम आपको उस लड़की के बारे में बताएंगे जिसने योगी आदित्यनाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार बात किए जाने का दावा भी किया और योगी आदित्यनाथ की पत्नी बनने की अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उनसे शादी करने का दावा भी किया। ये लड़की, इसे लेकर आज की तारीख में कौन सी नई खबरें आती हैं, हम आपको बताएंगे। आज से करीब 3 साल पहले ये कौन सी लड़की थी जिसने योगी आदित्यनाथ की पत्नी बनने से जुड़े हुए दावे करके यूपी की राजनीति में हड़कंप मचवा दिया। इस लड़की का इंटरव्यू हम आपके लिए साक्षात लेकर हाजिर हैं कि इंटरव्यू आप सुनिए और जानिए योगी की पत्नी बनने पर इस लड़की ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों के रंग में यूपी पूरी तरह से रंगना शुरू हो गया है। इन सबके बीच हम आपको 34 वर्षीय उस महिला के बारे में बताएंगे जिसने आज से करीब 3 साल पहले ये दावा किया था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो शादी करने वाली हैं। आपको बता दें, करीब 3 साल पहले यूपी की राजनीति में एक बड़ा हड़कंप मचा उस वक्त जब एक महिला मीडिया के सामने आती है और कहती हैं कि वो 1 साल से योगी आदित्यनाथ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टच में हैं और वो योगी आदित्यनाथ से शादी करने की इच्छा रखती हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो महिला है इसे लेकर खूब बवाल यूपी की राजनीति में हुआ। इस महिला को लेकर काफी ज्यादा राजनीति भी हुई। आखिर इस महिला के कौन से बयान ने इस तरह की तमाम खबरों को हवा दी? योगी आदित्यनाथ से शादी और उनकी पत्नी बनने की इच्छा जाहिर करने वाली इस महिला ने आखिर ऐसा क्या कहा था? चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। नीमा श्रीवास्तव है और कानपुर सिटी से हम हैं। आज योगी जी यहाँ पे क्या करने मुख्यमंत्री यहाँ मुख्यमंत्री जी के लिए अपना प्रेम पत्र लेकर के आए। मेरी जो फीलिंग है उनके प्रति वो हम लिख करके इस लेटर में लाए हैं, है ना। 1 साल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेरी उनसे बातचीत हो रही है, काफ़ी प्यार की भी बातें हो रही हैं, इसलिए हम पूरी लाइफ उनके साथ में रहना चाहते हैं, है ना। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। 1 साल से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, हम चाहते हैं कि अब वो आमने सामने आकर के हमसे बातचीत करें, है ना, और ये बताएं कि जो लेटर में हमने लिखा है इन बातों में सच्चाई है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें जेल भेज दें, है ना। लेकिन हम चाहते हैं एक बार वो आमने सामने आकर के बातचीत करें, वो हमसे परिचित हैं कि नहीं, वो हमसे प्यार करते हैं कि नहीं, पूरी लाइफ मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। इसीलिए ये लेटर में हमने सारी बातें लिख दी हैं जो 1 साल से मेरे उनके बीच में हो रहा है। तो 1 साल से वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, जो भी मैटर है ये सारा हमने लेटर में लिख करके 2 दिन पहले डिप्टी सीएम को दिया है। आज जाकर के उनके स्वागत कक्ष में स्टाफ में दिया हमने, तो उन्होंने ये लेटर मेरा मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया और उनका जब टाइम होगा तब हम मिलेंगे अपॉइंटमेंट के लिए, है ना। हम उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं उन्हें मेरी लाइफ का डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
और उनसे हमें इतना ज़्यादा एक साल से बातचीत करके इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया, लगाव हो गया है कि उनके बिना रह नहीं सकते। हम चाहते हैं कि हम पूरी लाइफ उनके साथ में रहें और वो भी इस बात का क्लियरिफिकेशन करें कि पूरी लाइफ मेरे साथ में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। आपकी मुलाकात उनसे किस तरह से हुई? मेरी मुलाकात उनकी सार्वजनिक रूप से गोरखनाथ मंदिर में हुई थी, गोरखपुर में, लेकिन हमने उस समय उनको प्रपोज नहीं किया कभी मैरिज के लिए या कभी लव के लिए या कभी इस मैटर पर हमने बात नहीं करी। हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स वाला लेटर दिया उनको, कभी इस मैटर पर बात नहीं। लेकिन हम इतना ज़्यादा परेशान है, मेरी लाइफ का डिसीजन है, इसलिए हम फाइनली चाहते हैं कि वो सामने आकर के बातचीत करें। एक साल से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ना आकर के वो स्पष्ट रूप से सामने आकर के हमसे बातचीत करें कि मेरी बातों में सच्चाई है कि नहीं है, और वो पूरी लाइफ मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, मेरे साथ रिश्ता बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। हम ऐसे अकेले नहीं अपना जीवन अब बर्बाद कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और सिर्फ एक बार उनसे मिलने के लिए तो कह रहे हैं, अगर इन बातों में एक भी शब्द अगर झूठ है तो हमें जेल भेज दें, है ना। गोरखपुर गोरखनाथ में आपकी मुलाकात हुई, किस लिए आप गोरखपुर गए थे? हम गोरखपुर गए थे तो अपनी समस्याओं वाला लेटर लिख के गए थे कि मतलब फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम है और फैमिली से अलग रह रहे हैं 3 साल से, और हम मैरिज नहीं करना चाहते। मेरी एक मैरिज हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है, अब हम सेकेंड मैरिज नहीं करना चाहते, तो मेरी लाइफ का क्या होगा और मेरा क्या सेटलमेंट होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स का लेटर हमने उनको दिया है। कभी हमने उनको लव की बातें नहीं करी है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात होती है वो सारी बातें हमने उनसे नहीं करी है, है ना। बस ये सारी बातें करने के लिए अब हम आए, हम चाहते हैं कि अलग से हमें टाइम मिले जिससे उनसे सारी बातें कर सकें, अपनी ये फीलिंग बता सकें, और ये जो हमने लेटर में लिखा है ये उनसे पूछ सकें इन बातों में सच्चाई है कि नहीं है, वो हमसे परिचित हैं या नहीं है। जैसा कि आज आप आज आए हैं, कल योगी जी का 2 दिन पहले भी हम आए थे, 2 दिन पहले हम आए थे तो ये लेटर हमने डिप्टी सीएम को दिया था, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दिया जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक बार मेरी आमने सामने उनसे बातचीत हो जाए, हम उनको ये लेटर देना चाहते हैं, अपनी सारी भावनाएं उनसे कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं मेरी लाइफ का डिसीजन कर दें कि मेरे लाइफ का सेटलमेंट कैसे होगा। अब हमें उनसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया, इतना ज़्यादा उनसे अट्रैक्शन हो गया कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, उनको भूल नहीं पाएंगे, इसलिए हम अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सेकेंड मैरिज करें कि कहाँ जाएं, क्या न करें, मेरी ये कुछ नहीं समझ में आ। मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉलिंग बात हुई आपकी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने आपसे कभी उनसे कहा ऐसा और उन्होंने क्या जवाब दिया? देखिए कोई मोबाइल नंबर के थ्रू तो बातचीत होती नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक रिपोर्टर भी रहते हैं साथ में, तो अपनी सारी योजनाएं बताते रहते हैं, इधर उधर की कई तरीके की बातें करते हैं। उसी में काफ़ी बार उन्होंने कहा इधर आओ, और मतलब आई लव यू भी बोला कई बार, तब हमें पता चला उनकी फीलिंग क्या है, है ना। उनकी फीलिंग के बेस पर ही हम इतना ज़्यादा इमोशनल हुए कि हम अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ उनके प्यार की वजह से, उनके इमोशंस की वजह से। कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके इमोशंस में सच्चाई नहीं है, जब हमने उनके इमोशंस में सच्चाई देखी तब हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अब हम सेकेंड मैरिज नहीं करेंगे, हम पूरी लाइफ इन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं। हमें पता है वो सन्यासी हैं, मैरिज के सपोर्ट में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम अकेले रहते हैं, अलग रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं उन्हीं के संरक्षण में रहें, हमें सेकेंड मैरिज ना करनी पड़े, उन्हीं के साथ में रहें, उनको मतलब छोड़ नहीं सकते अब हम, कि नहीं उनको भूल जाएँ और उनके साथ जो 1 साल से हम जुड़े हुए हैं सारी बातें भूल जाएं। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, फैमिली से अलग रह रहे हैं 3 साल से अकेले, कभी हॉस्टल में रहते हैं, कभी रेंट का रूम लेकर के रहते हैं, ऐसे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मेंटली हम डिस्टर्ब हुए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो रहे हैं। कभी कभी तो मेरा मन होता है कि हम सुसाइड कर लें, हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी लगता है हम क्या कर रहे हैं, क्या। मम्मी भी कहती है कि नहीं सेकेंड मैरिज कर लो, लेकिन हम सेकेंड मैरिज के सपोर्ट में इसलिए नहीं क्योंकि हम इनको नहीं भूल सकते हैं। तो हम चाहते हैं एक बार ही सामने आकर के बातचीत कर लें, जो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 1 साल से बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं आमने सामने आकर के बातचीत कर लें। योगी जी आपको नहीं मिलेंगे तो आप क्या करें, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम कुछ भी नहीं बता सकते, मेरा तो मन होता है कि हम सुसाइड कर लें, अगला कदम यही हो सकता है। फिर कल उनका जन्मदिन था, क्या आपकी बात हुई उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू? हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात हुई, हमने उनको एक लेटर में ऐसे ब्लैंक पेपर में लिख करके उनको मतलब बर्थडे विश भी किया उनको, काफ़ी हमने बातें कही उनसे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हुई। डायरेक्ट अगर मेरी बातचीत होती तो ये बताइए यहाँ क्यों इतनी देर धूप में दौड़ रहे होते? 3 दिन से आप लोग यहाँ टहल रहे हैं, अभी तक किसी से 2 दिन पहले हम आए थे, ये लेटर में डिप्टी सीएम को दिया था, है ना, ये लेटर में डिप्टी सीएम को दिया था, उन्होंने कहा था लेटर पहुंचा देंगे, अभी गए सीएम किसको? केशव प्रसाद मौर्य जी को। हाँ, तो मौर्य जी ने क्या कहा, पहुंचा देंगे? हाँ, हमने उनको सारी बातें भी बताई, बहुत लोग थे तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम आपका जो लेटर है उन तक पहुंचा देंगे। अभी हम गए थे स्वागत कक्ष में, उनका स्टाफ बैठा हुआ है स्वागत कक्ष में, जो मीटिंग कराते हैं, जो अपॉइंटमेंट देते हैं, तो उन्होंने कहा ये लेटर उन तक पहुँचा दिया गया, उन्होंने पढ़ भी लिया, उनसे बातचीत भी हुई है स्टाफ में, उन्होंने कहा लेटर उन तक पहुँचा दिया गया, जब वो टाइम देंगे तब आपसे मिलेंगे। जैसा कि आपको लगता है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए तो कोई हम पे विश्वास नहीं करता है, इसीलिए लोग कहते हैं एविडेंस, तो भाई हम एविडेंस क्या दें, एविडेंस हम हैं जो एक मुख्यमंत्री जी के लिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, कोई नॉर्मल पर्सन के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हम भी जानते हैं। हमने कभी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मेंटेलिटी नहीं है कि उनको कभी ब्लैकमेल करें या कुछ ऐसा करें, तो कभी हमने रिकॉर्डिंग करी ही नहीं।
तो देखा आपने, कुछ ऐसे ही वीडियोस हैं, कुछ तस्वीरें हो सकती हैं, कुछ किस्से हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ दावे हो सकते हैं जो आपके मोबाइल तक भी पहुंचेंगे, आपके व्हाट्सएप तक पहुंचेंगे, आप अपनी फेसबुक वॉल पर उन्हें देखेंगे और आपको इनसे सावधान रहना है। आज के लिए वायरल प्रोग्राम में इतना ही, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, होती रहेगी आपसे मुलाकात, दे दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।